एमएनएन न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र राज्य की सबसे बड़ी घटना हमारे पास मौजूद है। खबर की ओर रुख करें इसके पहले हम बता दें कि महाराष्ट्र राज्य सरकार पिछले 4 सालों से राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने के काम को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके चलते राज्य सरकार की तिजोरी से काफी बड़े पैमाने पर धन खर्च किया जा रहा है। और दूसरी तरफ वन विभाग के कार्यकारी बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई कर रहे हैं, जिसके चलते वन संपदा खत्म होने की कगार पर है। एक तरफ राज्य सरकार वृक्षों को लगाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है और दूसरी ओर वृक्षों को बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है। ऐसे ही एक मामला गोंदिया जिले के गोठन गांव वन परिक्षेत्र के तिरखुरी कक्ष क्रमांक 2 कंपार्टमेंट नंबर 336 में देखने को मिला। गोंदिया जिले के गोठन गांव वन परिक्षेत्र के तहत तिरखुरी कक्ष क्रमांक 2 कंपार्टमेंट नंबर 336 में रायपुर राजनांदगांव वरोरा लिमिटेड कंपनी ने हाल ही में ट्रांसमिशन पावर का काम पूरा किया है, जिसमें कंपनी ने केंद्र सरकार के नियम के तहत वन संरक्षक एस यूरज इनके यहाँ तिरखुरी कक्ष क्रमांक 2 कंपार्टमेंट नंबर 336 में वृक्ष कटाकर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए अनुमति मांगी, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से दिए गए नियमों के तहत अनुमति की प्रक्रिया पूर्ण की गई। लेकिन इस पूरे मामले में उप वन संरक्षक एस यूरज सहायक वन संरक्षक एनएस शेंडे वन परीक्षक अधिकारी एस टी मेंडे और फॉरेस्ट गार्ड एचआर मेश्राम इन्होंने मिली भगत करके बड़े पैमाने पर अपनी ही वन संपदा को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। जैसा कि दर्शक इस वीडियो में देख पा रहा है, लगभग जितने वृक्षों की अनुमति काटने की दी गई है उससे कई अधिक वृक्षों को काटा गया है। जैसा कि यह ट्रांसमिशन लाइन रायपुर राजनांदगांव वरोरा ट्रांसमिशन की ओर से बनाई गई है। इस कंपनी के मामले और वन विभाग के कर्मचारी ने मिलकर बड़े पैमाने पर जंगलों को नुकसान पहुंचाया है। आइए देखते हैं क्या मामला है। हलाल हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से एक ट्रांसमिशन लाइन गई हुई है जो कि कंपार्टमेंट 336 में से गई हुई है। ये जो तिरखुरी करके जो गांव है उसका ये कंपार्टमेंट गट क्रमांक 2 है, इस जगह से यह लाइन गई हुई है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वो जो बिजली का टावर आपको दिख रहा है मेरे पीछे में, और ये जो बड़ी मात्रा में वन संपदा को काटा गया है, यह एक सवालिया निशान है। जैसा कि आपको अभी हमारे कैमरामैन ने इसके पहले जो दिखाया, यह एक पहाड़ को काटकर इस जगह टावर खड़ा किया गया है। देखने की बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर वन संपदा किसके कहने पर काटी गई और इतने बड़े पैमाने पर वन संपदा को नुकसान पहुंचाकर यह टावर लाइन क्यों बिछाई गई है। आखिर टावर लाइन बिछाने के लिए बाजू से काफ़ी बड़ा अच्छा रोड था और कुछ कम जंगल का जंगल वाला जो इलाका है वो था। आखिर ये बड़े पैमाने पर इतनी वन संपदा को काटने की इजाज़त किसने दिया है और क्यों दी गई है? क्योंकि हम एक तरफ हमारी महाराष्ट्र सरकार कहती है कि वृक्ष लगाए, इस बार हम लोग 13 करोड़ वृक्षों को लगाने का संकल्प लिया हुआ है महाराष्ट्र सरकार ने, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इस जगह जो कि काफ़ी पुराने पुश्तैनी कहा जाएगा इन पेड़ों को, क्योंकि इनकी जो पेड़ों की जो उम्र है वो आप और हम भी नहीं बता पाएंगे, ऐसे बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटकर इतनी वन संपदा को नुकसान पहुंचा गया है। आखिर इस टावर लाइन लगाने से किन को और किसे फ़ायदा हुआ है, यह एक सवालों के घेरे में है। मैं निशांत भाई, MNS न्यूज़। जैसा कि उप वन संरक्षक एस यूराज और वन परिक्षेत्र अधिकारी गुठन गांव एस डी मेंडे उन साठ घाट में इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया है। लगभग इस टावर लाइन के निर्माण कार्य में 10,000 वृक्षों को काटा गया है, जिसमें लगभग केंद्र सरकार की ओर से दिए गए नियमों को अगर देखा जाए तो इसमें केवल टावर लगाना है, इसी जगह के महत्वपूर्ण हो तो ऐसे ही वृक्षों को काटने की अनुमति दी गई है। ऐसे ही वृक्षों के साथ ही साथ वन संपदा और पहाड़ों को नुकसान न पहुंचाए ऐसी शर्त के आधार पर यह वृक्ष कटाई की अनुमति दी गई है। देखना यह है कि इस पर अब वन बल प्रमुख और वन सचिव और वन मंत्री क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखते रहिए और बने रहिए MNS न्यूज के साथ। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।